प्रश्न संख्या 297 उत्तर नहीं चाहते हैं आप। खंड संख्या एक, कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के द्वितीय तल के निर्माण कार्य हेतु राशि 29.39 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 8/6/2017 को जारी की गई। उपरोक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा करवाया जा रहा है। इस कार्य हेतु वर्षवार उपलब्ध बजट एवं व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है। क्रम संख्या एक, 2017-18 स्वीकृत बजट राशि में 4 करोड़ रुपये, व्यय की गई राशि रुपयों में 0। सेकेंड, 2018-19 स्वीकृत बजट 12 करोड़ रुपए, व्यय की गई राशि 4.98 करोड़ रुपए। नंबर तीन, 19-20 में 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और 5.5 करोड़ वित्त वर्ष में अब तक व्यय किया जा चुका है। राज्य सरकार की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 8/6/2017 के एक वर्ष उपरांत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस कार्य का कार्यादेश दिनांक 18/6/2018 को दिया गया। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 5.5 करोड़ रुपए व्यय किए गए। कार्य वर्तमान में जारी है, जिसमें शेष उपलब्ध बजट राशि का उपयोग किया जाएगा। कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 26/6/2020 है। आज दिनांक तक 45% सिविल कार्य एवं 15% विद्युत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य को आगामी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाया जाएगा। इस हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान भी बजट में कर लिया गया है। खंड दो, मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का सिविल निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। यह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत कुल 150 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार की 20% हिस्सा राशि है। केंद्र प्रवर्तित योजना में कार्यकारी एजेंसी का निर्धारण सामान्यतया राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, परंतु सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के कोटा वाले निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अपने स्तर से कार्यकारी एजेंसी हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन को नियुक्त किया गया एवं उपकरणों के क्रय के लिए कार्यकारी एजेंसी HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड को नियुक्त किया गया। कार्यकारी एजेंसी द्वारा कुल क्रय किए जाने वाले 98 उपकरणों में से अब तक 56 उपकरण सप्लाई किए गए हैं। समस्त उपकरण प्राप्त होकर स्थापित होने के उपरांत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को पूर्ण रूप से चालू किया जाएगा। खंड तीन, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में मरीजों को निम्न 9 विभागों की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नंबर एक, न्यूरोलॉजी। नंबर दो, न्यूरो सर्जरी। नंबर तीन, यूरोलॉजी। नंबर चार, शिशु सर्जरी। नंबर पाँच, कार्डियोलॉजी। नंबर छः, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। नंबर सात, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी। नंबर आठ, नेफ्रोलॉजी। और नंबर 9, प्लास्टिक सर्जरी। खंड चार, उक्त सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हेतु कुल स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षक चिकित्सकों के पदों की स्थिति परिशिष्ट एक पर संलग्न है। मेडिकल कॉलेज कोटा में स्वीकृत सुपर स्पेशलिटी के चिकित्सक शिक्षकों की पद संख्या 28 है, जिसके विरुद्ध 12 कार्यरत हैं। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण एवं उपकरणों को क्रय कर स्थापित कर कार्यकारी एजेंसी द्वारा मेडिकल कॉलेज कोटा को संभालने पर संबंधित पदों को भरे जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हेतु नर्सिंग कर्मियों के पद अलग से स्वीकृत नहीं है। मेडिकल कॉलेज हेतु स्वीकृत नर्सिंग कर्मियों के पदों में से ही आवश्यकता अनुसार सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बिंदु संख्या 4 की जानकारी चाहूँगा। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 28 परम विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत हैं आपके अनुसार। मैं जानना चाहूँगा कि शेष 16 चिकित्सकों को आप कब तक नियुक्ति कर देंगे, और इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जैसा आप बता रहे हैं तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी UTB के नर्सिंग स्टाफ के, पैरामेडिकल स्टाफ के, प्रशासनिक स्टाफ के। वहाँ के मेडिकल कॉलेज जो अभी हैं उसमें वर्तमान में काम नहीं चल सकेगा, अतः आप इसके लिए और पद स्वीकृत करने के लिए प्रयास करेंगे क्या? क्योंकि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जिसकी 20% की जिम्मेदारी हमारी प्रदेश राजस्थान सरकार की है, मैं जानना चाहता हूँ राज्य सरकार ने अपने हिस्से की 20% राशि उपलब्ध करवा दी है क्या, और इस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो फायर एनओसी मिलनी चाहिए। प्रश्न पूछना है कि क्या? वही पूछ रहा हूँ सर, फायर एनओसी जारी नहीं हुई है, ये फायर एनओसी कब तक आप जारी करवा देंगे? इसके लिए संबंधित जो उत्तरदायी एजेंसी है, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर भी आप दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सुपर स्पेशलिटी के जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनकी भर्ती की बात की है, तो अभी तो ये कार्य प्रोसेस में चल रहा है। अभी अगर हम उनको लगा भी देंगे
तो वहाँ काम तो कुछ नहीं जब तक ये वर्किंग कंडीशन में नहीं आता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि भर्ती की प्रक्रिया हमारी सुपर चल रही है इस वक्त, और उसमें सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की भी भर्ती होगी। जैसे ही ये काम संचालित हो जाएगा ये अस्पताल, उसके बाद हम वहाँ पे भी जो रिक्वायर्ड डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति कर देंगे। साथ ही आपने पूछा कि राजस्थान सरकार का 20% हिस्सा, तो मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि इसमें 150 करोड़ में से 120 करोड़ रुपए भारत सरकार को देने थे और 30 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को देने थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार जारी कर चुकी है, 10 करोड़ इसी 31 मार्च से पहले हम जारी कर देंगे, और जो बचे हुए 5 करोड़ है वो जो ये बजट पास होगा उसके बाद जारी कर देंगे। कोई प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जल्दी से जल्दी हम इसको शुरू करेंगे। कटारा जी, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से आप जो सूची दे रहे हो उसमें से 9 तरह की इसमें इलाज होंगे। उस 9 में से आज 7 में आपके वरिष्ठ जो डॉक्टर चाहिए उसके पद रिक्त है। केवल यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजी 2 में आज की तारीख में काम कर रहे हैं, और आपका 6 जून तक ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। क्या जिस आधार पर अपने को ये मिला उसकी पूर्ति अपन कर पाएंगे समय पर, या इसके कारण से अपने को कोई राजस्थान में नुकसान होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता महोदय को, प्रतिपक्ष के नेता महोदय को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भर्ती की प्रक्रिया भी चालू है, और उसी में जिन स्पेशल सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स की कमी का आप जिक्र कर रहे हैं उस भर्ती के प्रोसेस में ही वो लोग शामिल हैं। जैसे ही ये भर्ती का प्रोसेस और जो समय अवधि आप बता रहे हैं इनके कंप्लीट होने की, उससे पहले पहले ये भर्ती हो जाएगी। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि ये जब सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू होंगे उससे पहले हम इन जो सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं उनकी नियुक्ति कर देंगे। अगला प्रश्न हरिचंद्र मीणा, बेटा प्लीज।